नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर शहर में भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नरेट लागू हो गई है, मगर आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ था, कि तब भी एक बार फिर से शहर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके में भारी बाजार में बदमाशों ने सपा नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं बड़ी बात यह रही कि सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल पर लाद कर अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है। जी हां, आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के बर्रा क्षेत्र इलाके में स्थित बर्रा 2 छोटी सब्जी मंडी का है, जहां कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी योजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव अपने एक साथी के साथ i10 गाड़ी में बैठा था। तभी सफारी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और हर्ष की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं अपने ऊपर गोली चलता देख हर्ष जब अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही कार से उतरकर भागा तो बदमाशों ने उसे दौड़ाकर 20 सड़क खुलेआम सिर में गोली मार दी, जिससे हर्ष सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद मौके से सभी बदमाश भाग निकले। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में मृतक की जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही उसे लाद लिया और अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने सपा नेता हर्ष को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर बर्रा थाना समेत कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंचा और आसपास के लगे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंचे DCP दक्षिण रवीना त्यागी ने बताया कि कुछ हमलावरों ने सपा नेता हर्ष यादव को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये जो मृतक हैं उनकी पहचान हर्ष यादव के नाम से हुई है। ये इनके जो हाल पता है इनका वो बर्रा थाना क्षेत्र में ही है। जो इनके नाना जी हैं उनके पास इनका रहना बताया जा रहा है। इनको गोली लगी है और ये अभी फिलहाल मॉर्चरी में है। पोस्टमार्टम इनका किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने हमलावर थे जिन लोगों ने ये गोली चला दी? जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। आगे जैसा आगे की जो विवेचना होगी उसमें जो निकल करके आएगा वो बताया जाएगा। जो मृतक है क्या किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर ये सपा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। क्या CCTV में कोई घटना आसपास कैद हुई? आसपास कई सारे CCTV कैमराज हैं जिनको खंगाला जा रहा है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। खुली बाजार में एक युवक को गोली मारी गई, ये क्या है पूरा मामला? ये लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। बर्रा 2 जो मार्केट है उसमें हर्ष नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार एक गाड़ी में कुछ लोग आए और उसको गोली मारी गई है। जो हर्ष है उसको अभी अस्पताल भेजा गया है और इसमें जो घटना है उसका अनावरण करने और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगी है। आपकी पहचान हो सकी किसी आरोपी की? जी, किसी की पहचान हो सकी? अभी उस चीज़ में टीमें लगी हुई है, जैसे ही जानकारी आती है आपके तरफ। जो मृतक है वो क्या किसी पार्टी से भी बिलोंग करता है? अभी उस संबंध में जानकारी डिटेल में करी जा रही है। कोई कारण इसका निकल के आया, किस वजह से हत्या की गई है? इस संबंध में टीमें जाँच कर रही हैं, कारण और जो आरोपी हैं उन दोनों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी आएगी आपसे शेयर करेंगे।